अब आ गया विंटर्स। अब विंटर्स में काफी प्रॉब्लम होती है, कई शख्स को होती है, जैसे कि आपको हेयर डैंड्रफ की हो जाती है एंड हेयर लॉस की भी हो जाती है आपके, और चेहरे पे रूखापन भी हो जाता है जो कि आपको ऑब्वियसली काफी गंदा फील करवाता होगा। कई बार तो आपके चेहरे चेहरे पे चिड़चिड़ापन भी हो जाता होगा। तो मैं आज आपको वो नुस्खे नहीं बताने वाला, ना ही मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है कि टिप्स एंड नुस्खे काफी पुराना हो गया, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही सलाह दूंगा या कुछ अच्छी जानकारी दूंगा जिससे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पे डैंड्रफ की। डैंड्रफ 85% लोगों को होते हैं आज के टाइम पे, बकायदा कुछ दिक्कतों एंड उनकी कुछ गलतियों के वजह से होता है। मान लो आपके डैंड्रफ नहीं होता है बिल्कुल ही, कई शख्स को अगर वो रूल से चले एंड डेली अपने शरीर को साफ एंड नहाए एंड बालों को वॉश करें तो आपके डैंड्रफ नहीं होने की गुंजाइश होती है। तो इतना भी नहीं कि आप हफ्ते में 4 से 3 बार जरूर आप नहाए एंड अपने बालों को वॉश करें। पहला यही है कि आपको डैंड्रफ कैसे हटाना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर आप तेल का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ और नुस्खे करना पड़ेगा। अगर आप तेल लगा लेते हैं तो आपको डैंड्रफ की कम गुंजाइश हो, लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप अगर ट्राई कर सकते हैं कि रात में लगा के आप सोएं, ताकि आपके जो रात में बालों को एंड आपके तेल लगाएं तो उसको बाल एब्जॉर्ब कर ले और आपके बालों को भी और आपके डैंड्रफ को भी हटाने में मदद मिले। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप ये जरूर करें कि आप रात में लगा के एंड सो जाएं आराम से। इससे आपको भी फायदा होगा एंड आपके बाल भी मजबूत रहेंगे। और दोपहर स्क्रीन, ये काफी ऑकवर्ड सी बात है कि विंटर आते ही आपके स्किन को चिड़चिड़ापन एंड काफी कुछ झेलना पड़ जाता होगा, एंड सही कई बार है कि आप अपने स्किन को फेस वॉश भी नहीं करते होंगे। तो सबसे बड़ी भी बात यह है कि अपने स्किन को ज्यादा फेस वॉश भी ना करें, इससे आपकी स्किन स्क्रब हो जाती है और आपके चेहरों पे काफ़ी बुढ़ापे की निशानी भी आ जाती है, जिससे आपके चमड़े पे निशान एंड काफ़ी दाग धब्बे आ जाते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप दिन में 2 से 3 बार अपने फेस को वॉश करें, और विंटर में आप अगर कोई क्रीम यूज़ करते हैं, ऑयली अगर क्रीम हो तो अच्छी बात हो, वो आपके चेहरे को काफ़ी आराम देगा एंड आपके स्किन को काफ़ी केयर भी रखेगा। तो मेरी सलाह होगी कि आप एक क्रीम का यूज़ जरूर करें, लेकिन आप एक डॉक्टर पे जाएं, उनका सलाह लें, वो जो क्रीम आपको बताते हैं आप उनका यूज़ करें। आप अपने मर्जी से कोई भी अगर क्रीम लगाते हैं तो आपके फेस के लिए गलत होता है। क्रीम की बात कर दी मैंने तो ये नहीं होते कि लड़कियाँ ही लगाती है, ये आज के टाइम पे ऑकवर्ड नहीं है बिल्कुल भी। आज के टाइम पे लड़के एंड लड़की में कोई फर्क नहीं देखा जाता, तो आप भी अपना अगर चेहरे का ख्याल रखते तो ये बात टाइम पे वो मर्द एंड औरतों वाली बातें छोड़ें, आप अपने स्किन का ध्यान सबसे नंबर 3 पे है, जो कि सबसे जरूरी एंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आज के टाइम पे 99 लोगों को है ही, मैं इतना वारंटी एंड गारंटी भी दे सकता हूँ कि अगर आपको भी वो प्रॉब्लम है हेयर लॉस की, तो आप मेरी सलाह होगी कि आप एक डॉक्टर से मिले, आप उनकी सलाह लें, आपको जो वो बताते हैं जो मेडिसिन कहते हैं आप उनका यूज़ करें। ये भी बात होती है कि आप कई बार अपने घर पे जुगाड़ लगाने लग जाते हैं, कई सलाह लेने लग जाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर तौर तरीके आपके हेयर्स के लिए नुकसान पहुँचा सकता है। तो मेरा यही सलाह होगा कि आप एक डॉक्टर से मिलें, वो जो मेडिसिन कहते हैं आप उनका यूज़ करें, फिर अगर आपको उनसे फ़ायदे पहुँचे तो आप कंटिन्यू यूज़ करें। और थोड़ी सी नॉर्मल सी बात नहीं है, आज के टाइम पे हेयर लॉस काफ़ी ज्यादा बढ़ चुका है, तो मेरा ख्याल होगा कि आपके हेयर लॉस होते हैं तो आप जल्दी अपना इलाज करवा लें, ताकि आपको भी वो चीज़ ना झेलना पड़े जो कि आप वक्त के साथ अपने हेयर का ख्याल रखें, ताकि आपको भी के साथ नंबर 4 पे है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है पे है। अगर आप डेली नहाते हैं तो आप आज ही बंद कर दे, क्योंकि वो आपके बालों को एंड आपके चेहरे को नुकसान पहुंचाता है, विश्वास नहीं तो आप। इसमें माना गया कि आपके ज़्यादा नहाने से आपके स्किन एंड आपके हेयर काफ़ी नुकसान पहुंचा जाता है। तो मेरा यही ख्याल होगा कि आप हफ्ते में 3 से 4
बात का तो होने भी ना दे, 3 से 4 मरतबा अपना है, बाकी आप गैप छोड़ते हैं। उससे आपके क्या होते हैं कि आपके स्किन को काफ़ी कम स्क्रब होना पड़ता है और आपके स्किन को रिपेयर की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और आपके हेयर्स को काफ़ी गीला ना रखे। आप हो सके तो हफ्ते में 3 बार अपने बालों को हेयर वॉश करें ताकि वो आपके बाल हमेशा सलामत रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बालों एंड अपने चेहरों का थोड़ा ख्याल रखें, ताकि बात यही होता है कि आपके चेहरा एंड आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी कीमती होती है, पैसे एंड आपके कुछ काम नहीं आने वाला। आपके चेहरे, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सेहत ही आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ख़त्म, एंड वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके दोहराना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहता हूँ, आपको भी काफ़ी पसंद आएंगे।